हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं पैटर्न पासवर्ड हम कैसे सेट कर सकते हैं अपने लॉक स्क्रीन पर, इसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं मेरी जो लॉक स्क्रीन है उस पर जो पासवर्ड सेट है वो यहाँ पर पिन पासवर्ड सेट है, लेकिन मुझे पैटर्न पासवर्ड सेट करना है, इसके बारे में बताऊँगा कैसे हम पैटर्न पासवर्ड सेट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। फ्रेंड जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास ये ओप्पो का फ़ोन है और आपको सबसे पहले सेटिंग पे जाना है, तो क्लिक कर लेंगे। सेटिंग पे जाने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं थोड़ा सा ऊपर की साइड स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे आपको पासवर्ड एंड सिक्योरिटी पे जाना है और आपको इस तरीके से आइकन शो हो जाएगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको लॉक स्क्रीन पासवर्ड पर जाना है और जो भी आपका लॉक है पहले उसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको इस तरीके से आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं पैटर्न पासवर्ड सेट करना चाहते हैं तो पैटर्न पासवर्ड पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके से आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं एंटर ओल्ड पासवर्ड, यानी कि आपका जो पहले वाला पासवर्ड था उसे आपको एंटर करना है और यहाँ पे आपको आ जाएगा पैटर्न पासवर्ड। पैटर्न पासवर्ड में आप देख सकते हैं जैसे कि आपको फोर डॉट का यूज़ करके पैटर्न पासवर्ड सेट करना है, तो हम फोर डॉट का यूज़ करते हैं पैटर्न पासवर्ड को सेट करेंगे। ये देखिए इस तरीके से, और यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर दोबारा सेम पासवर्ड डालना है, सेम नहीं होगा तो वो कंफर्म नहीं कर पाएंगे। इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे आपका लॉक स्क्रीन पर पैटर्न पासवर्ड सेट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं, ये देखिए इस तरीके से आप पैटर्न पासवर्ड को सेट कर सकते हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।